अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं बड़े का दिल और गुर्दा लिया है 1.5 किलो, इसका सालन बनाऊंगी। आप लोग देखते रहना हमारी वीडियो, पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। इसी का सालन बना के दिखाती हूँ आपको। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है, छन्नी में रख दिया था, इसका सारा पानी निकल गया है। चलते हैं गाइस इसको बघारने। देखिए गाइस, ये हमने प्याज काट लिया है, 5 प्याज मैंने छील के काट लिया है। अब तेल चढ़ा दिया है कढ़ाई में, तेल हमारा गरम है, मैंने चढ़ा दिया था तेल। अब इसमें प्याज डाल देती हूँ। मैंने 5 प्याज काटा है, आपके पास जितना हो उतना डाल सकते हैं। प्याज को ज़्यादा लाइट नहीं करना है, गोल्डन सॉफ्ट हो जाए थोड़ा बस। देखिए गाइस, प्याज हमारा हो जाए, फिर इसमें दिल को डाल के, इसमें दिल और गुर्दा जो मैंने रखा धो के, इसको भून लेंगे अच्छे से कढ़ाई में। फिर कुकर में पलट देंगे, कुकर में सीटी लगा के गला लेंगे ताकि जल्दी तैयार हो जाए। इसमें अच्छे से भून लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के, फिर कुकर में पलट देंगे। देखिए गाइस, प्याज हमारा हो गए गोल्डन, इसको ज़्यादा डार्क नहीं किया मैंने। अब मैं डाल देती हूँ इसमें इसको चला के मिला लेते हैं प्याज में, फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे इसमें। खुले बर्तन में बनाओ, अच्छे से भुनाई हो जाता है। इसकी मोटी मोटी फीस है, ज़्यादा छोटा नहीं किया मैंने, 1.5 किलो था। देखिए गए, इसको मैंने चला के अच्छे से मिला दिया प्याज में। मैं नमक डाल देती हूँ, डेढ़ चम्मच मैंने डाल दी है। पहले कम ही डालेंगे, बाद में चेक करके डाल देंगे कम होगा तो। लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देते हैं, 1 चम्मच भर के मैंने कूट लिया है। देखिए गए, इसको मैंने भून लिया है, लहसुन अदरक डाल के, नमक डाल के अच्छे से भून लिया है। इसका कलर भी चेंज हो गया है। मैं इसमें डाल देती हूँ मसाला, हल्का सा मैंने पानी डाल लिया था जिसमें लहसुन अदरक कूटे थे ना, उसको धो के ज़रा सा पानी डाला था। ये अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। मैं सारे मसाले डाल देती हूँ, आप लोग बना के ज़रूर खाइए एक बार हमारे तरीके से। सर्दी में यही सब खाने का मज़े रहते हैं, अच्छा लगता है सर्दियों में। दाल सब्ज़ी तो बहुत कम ही अच्छी लगती है, मटन चिकन बड़े का। मैं डाल देती हूँ मसाले इसमें। 3 टुकड़े मैंने तेज पत्ता ले लिए हैं, छोटे तोड़ लिया बीच से। ये जौतरी है, लौंग, ये इलायची है, एक बड़ी इलायची है, काली मिर्च है, लौंग है, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का है। हल्दी, धनिया, मिर्ची सारा कुछ डाल देती हूँ। लाल मिर्ची पाउडर है, ये 3 चम्मच मैंने डाल दिया है, क्योंकि 1.5 किलो है इसलिए मिर्ची मैंने 3 चम्मच डाला है, तो कम ही डाल दी। मिर्ची हमारी तीखी बहुत है।
एक चम्मच हल्दी पाउडर है, एक चम्मच भर के धनिया पाउडर है, थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी, हाफ चम्मच। इसको मसाले में अच्छे से भूनूंगी, फिर बाद में पानी डालूंगी थोड़ा सा गलाने के लिए। पकने के बाद बहुत अच्छा लगता है खाने में, टेस्टी रहता है। देखिए गाइस, मैंने इसको भून लिया मसाला डाल के अच्छे से। इसमें इतना पानी छोटा है, थोड़ा पानी और डालूंगी ताकि ये अच्छे से गल जाए। इसे कढ़ाई में मैं गला लूंगी, कुकर में नहीं पलटूंगी। थोड़ा गैस को मीडियम कर दूंगी, हाई नहीं रखूंगी ताकि धीमी आंच पे गल जाए अच्छे से। देखिए गाइस, मैंने गैस को स्लो कर दिया। अब इसको ढक देते हैं एक प्लेट से, धीमी आंच पे गल जाएगा बहुत अच्छे से। देखिए गाइस, मैं इसको चेक कर रही हूँ सालन को, चला बहुत अच्छा कलर आया है। इसमें भी पानी है, काफ़ी पानी है। इसको मैं सारा पानी जला दूंगी, भून दूंगी एक बार और इसको अच्छे से। अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसको चेक करके, इसका पानी जला देते हैं सारा ही। देखिएगा, इसको मैंने भून के हल्का सा सालन लगा दिया है। मैं इसमें हरी मिर्ची डाल देती हूँ चार, ये ज़्यादा तीखी नहीं है। इसमें हरी धनिया डाल देती हूँ। देखिए गाइस, मैंने दो चम्मच जीरा भून लिया है, उसको पीस लिया है, ये भी डाल देती हूँ, भुना हुआ जीरा के पेस्ट। मैंने इसको तावे पे भून लिया है जीरे को, फिर पेस्ट बना लिया है। जीरा लगा दो सालन में तो बहुत टेस्टी हो जाता है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही सालन में। हल्का सा बलग जाए, बस गैस को बंद कर दूंगी। इसमें ज़्यादा सालन नहीं है, बराबर है, बोटी के बराबर मैंने लगाया है। देखिए गाइस, मैंने गैस को बंद कर दिया है, सालन हमारा हो गया है। इसको बंद कर दिया है अच्छे से, धनिया भी गल गई इसमें। मैं एक प्लेट में निकालती हूँ, आप लोग भी ज़रूर बना के खाना इसको हमारी तरीके से, बहुत टेस्टी बना है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आप लोग भी आके खा लो, मैंने सबके लिए बनाया है।
देखिए गाइस सालन हमारा तैयार है बनके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आप लोग भी ज़रूर बना के खाइए इसको चपाती के साथ, चावल के साथ। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।